4000 यूज को अरेस्ट किया गया था, 300 यूज को पीएसए लगा दिया गया था, और लोग इस चीज का जवाब मांग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? मुझे बताइए ना, मतलब दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। 2010 में 300 लोग अरेस्ट हुए थे, बिल्कुल हुए थे, आज 5000 अरेस्ट हुए हैं। वो तीन नहीं, आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीजीपी के साथ मिला था, पार्टी से निकाला गया था, इसलिए क्यों निकाला गया था पार्टी से? आपने पीएसए की बात की, पीएसए जो है ये एक प्रिवेंटिव रिटेंशन एक्ट है, ठीक है? ये कह रहा है मैम, इसके पीछे सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। आप बताइए, नेशनल, मेरी बात सुनिए, आपके पास बात करेंगे, मेरी बात सुनिए, 99 की अगर बात करेंगे, मेरी बात आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, मेरी बात मुझे प्रॉपर, देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है ना। 99.9 की अगर हम बात करके, मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल है कि विजन सोज जो है वो कदावर लीडर माने जाते हैं नेशनल कांग्रेस के, वो पार्टी छोड़कर क्यों चले गए थे? क्या रीजन? देखिए सैफुद्दीन सोज के आप आजकल, मुझे नहीं पता है वो 1999 में क्या छोड़ के पार्टी चले गए थे, क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया था कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज जो मेरे साथ मेहमान बैठी हैं, वैसे भी किसी तारुफ की मोहताजी नहीं है, इनका नाम है इफ्रा जान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन भी है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, और आपके सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, व्हाई कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर डिनाइंग टू फेस कैमरा विद लोकल जर्नलिस्ट्स? हेयर आई एम, आप कह रहे हैं कि कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोकल जर्नलिस्ट के पास कैमरा क्यों नहीं फेस करते हैं? मुझे लगता है मैं एक पॉलिटिशियन मतलब हूँ ही स्टार्टिंग में ही, मुझे नहीं लगता है जितना कैमरा मैंने फेस किया होगा, जितना रोज मैं आपसे भी बात करती हूँ, नेशनल टीवी पे भी बात करती हूँ, मतलब व्हेन हैव आई नॉट फेस्ड इट, तो ये मैक्सिमम जो है वो कैमरा बिल्कुल भी नहीं, मुझे आई डू नॉट अग्री विद इट। हर पार्टी के अपने अपने स्पोक्स पर्सन होते हैं, और स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान जो पार्टी का होता है, उस तर्जुमान को पार्टी की बात सामने रखनी होती है। आप मुझे बताइए हमारी पार्टी का कौन सा ऐसा तर्जुमान है जो आपके सामने नहीं आता? इमरान साहब हमारे तर्जुमान है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते रहते हैं, मैं पार्टी की तर्जुमान हूँ, मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देती रहती हूँ, मुदस्सिर साहब हैं वो भी होते हैं, इसी तरह से मुझे नहीं ऐसा, मैं आई डू नॉट अग्री विद यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जिला गांधरबल की बात करेंगे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने वहां पे इलेक्शन जीता था, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी वहां पे इलेक्शन जीता था, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी वहां पे इलेक्शन जीता था, लोग तब भी गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कस्में खाकर बात कर रहे हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आज भी लोग वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कस्में खाकर बात कर रहे हैं। जब भी इलेक्शन वहां पे होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर वहां पे आता रहता है, लेकिन इलेक्शन के बाद वहां पे कोई नहीं आता है। गांधरबल की अगर हम बात करेंगे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे इलेक्शन जीता था तब से लेकर आज तक सड़कें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, सबसे पहले डेवलपमेंट जो है वो सड़कों से दिखी जाती है। तब भी गवर्नमेंट ने वादे किए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत ही वादे किए थे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, सड़कें तब भी वहाँ पे खस्ता हाल थी, और आज भी सड़कों की हालत वहाँ पे खस्ता रही, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए फिलहाल तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो है पिछले 8 साल से पावर में नहीं है, पिछले 8 साल से अगर आप देखेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट, 8 साल से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 8 साल की बात में नहीं कर रहा हूँ, 8 साल 2014 से यहाँ पे भाजपा सरकार है, 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको दोनों पीरियड्स का बता रही हूँ। फिलहाल 8 साल से जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तदार में है ही नहीं, 1-2 साल में 10 साल हो जाएंगे, यू नो, अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो ये कहना कि अब आपका सवाल है कि पिछले 8 साल से पहले आपने क्या किया था, अगर मैं समझ जानती हूँ, अगर आप गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, आप देखिए गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का डेटा देखिए, आप देखिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है वो कितनी कम है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, जो पुराना डेटा आया था और जो आज का डेटा आया था। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे 1 इंच जमीन किसी को नहीं गई, हमारी जमीन पे डोल नहीं बजाया गया, हमारे लोगों के मुस्तकबिल पे डोल नहीं बजाया गया, हमारे नौजवानों की नौकरियों पे डोल नहीं बजाया गया, पीआरसी पे डोल नहीं बजा, डोमिसाइल पे डोल नहीं बजाया, यहाँ के जो रिसोर्सेस थे वो गांधरबल का इंसान को भी मिलते थे, वो कुपवाड़ा के इंसान को भी मिलते थे, वो जम्मू वालों को भी मिलते थे, कश्मीर को भी मिलते थे, श्रीनगर को भी मिलते थे, जितना कुछ भी हमारे पास था वो हमारे पास रहा। और अक्सर ये सवाल आता है बीजेपी की तरफ से हमसे कि आपने 70 साल में क्या किया, तो उमर साहब ने टाइम्स नाउ पे बहुत अच्छा बयान दिया था, जहां पे उन्होंने पावर्टी लेवल यानी गरीबी गुर्बत की लेवल यहाँ पे आप देखिए कंपेयर कीजिए नेशनल लेवल से, यहाँ पे गुर्बत की लेवल इतनी कम क्यों है कंपेयर टू नेशनल लेवल, कोई आप देखते हैं यहाँ सड़कों पे सोते हैं, आप
चाइल्ड मोर्टैलिटी आप देखिए, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट आप देखिए, आप मैटरनल मोर्टैलिटी रेट देखिए, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टेट का देखिए, आप एक एक इंडेक्स देखिए सभी इंडिसीज में, और आप देखिए कि हमारी स्टेट जो थी, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट का ये ऑनस्लॉट नहीं था, हमारी स्टेट कितनी ऊपर थी। तो ये जो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा रखा गया था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी और इस डेवलपमेंट ना होने की वजह से बीजेपी का आना जस्टिफाइड है, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का होना जस्टिफाइड है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अगर यहाँ पे इतनी कम बेरोजगारी थी, अगर यहाँ पे इतनी कम पावर्टी लेवल यानी गुर्बत की लेवल थी, अगर यहाँ पे कोई इंसान सड़क पे नहीं सोता था, किसी ने तो सर ये काम किया था ना। अगर डेली वेजर्स की बात करेंगे या फिर कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे, उनको अब पीसफुल प्रोटेस्ट भी उनको करने नहीं दिया जाता है, इस वजह से आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बार बार कहा है कि जो हमारे डेली वेजर्स हैं, करीबन 61,000 उनका नंबर है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, आंधी हो, ये लोग अफसर की बैक एंड कॉल पे होते हैं, ये लोग निकल गए होते हैं, अफसर की बैक एंड कॉल पे ये लोग सड़कों पे आ गए होते हैं, इनको ठंड में काम करना पड़ता है, इनको कोई छुट्टी नहीं होती है, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी सारी गवर्नमेंट मशीनरी है ये मोर और लेस इन्हीं पे डिपेंड करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि इनको बैकडोर एंट्री हुई है, सवाल है आपका क्या कहना है? भाई मुझे एक बात बताओ, बैकडोर एंट्री की जब हम बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं द आइडिया इज कि कोई इम्पोर्टेंट इंसान होगा जो मिनिस्टर से मिलता होगा, जो सीएम से मिलता होगा, अगर उस इम्पोर्टेंट इंसान को बोलेंगे भी, इल्ज़ाम लगाएंगे भी इसकी बैकडोर एंट्री हुई, तो चलो इल्ज़ाम में कुछ दम है। एक गरीब इंसान जो 4,000 रुपये माहाना उसकी तनख्वाह है, वो कौन सा बैकडोर एंट्री, वो कौन सा सीएम से मिलेगा और मिनिस्टर से मिलेगा और प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, वो कौन सा इन्फ्लुएंशियल, उसके पास कौन सा इतना इन्फ्लुएंस है कि बैकडोर एंट्री होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर हम बात करें, 2014 से यहाँ पे है, लेकिन 2014 से पहले की अगर हम बात करेंगे, 20-25 साल से कैजुअल लेबर सफर कर रहे हैं, तब एनसी की हुकूमत नहीं थी यहाँ पे, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों नहीं कुछ किया? देखिए, अगर नेशनल प्राइमरली जो ये जो छोटे छोटे जॉब्स निकालवाए, जो ये यू नो स्कूल्स, टीचर्स, कैजुअल लेबरर्स, ये सभी मोर और लेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दौरे हुकूमत में लगे हैं, इन सभी को जॉब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दौरे हुकूमत में मिला है। लेकिन एक चीज ये है कि जब हमारे दौरे हुकूमत में ये लगे, उसके बाद देयर वाज अ क्लॉज कि 7 साल तक, 7 साल के बाद ये रेगुलराइज होते हैं, 7 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट रही नहीं। अगर आप आज एक बात देखेंगे, जितनी तनख्वाह हम लोग इनको उस टाइम पे देते थे, उतनी ही तनख्वाह इस टाइम बीजेपी उनको दे रही है, शायद उससे भी कम, एक पैसा तनख्वाह में इन्होंने नहीं बढ़ाया है उनकी। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी थी उस टाइम पे, चाहे इनकी जो उस हिसाब से आज से पहले 8-10-15 साल की जो तनख्वाह हम इनको देते थे, एटलीस्ट इनको तनख्वाहें टाइम पे मिल जाती थी या 1-2 महीने बाद मिल जाती थी। आमतौर पर अगर हम आज की बात करें कि हर कोई कहते हैं कि पीएसए, फलाने को पीएसए लगा, फलाने को पीएसए लगा, लेकिन पीएसए कब आया कश्मीर में? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे पीएसए नहीं था? क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने परेडगंज यहाँ पे नहीं मंगवाए थे? जी देखिए, आपने पीएसए की बात की, पीएसए जो है ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, ठीक है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो होते हैं वो अमेरिका में भी इस टाइम पे है, वो यूरोप में भी इस टाइम पे है, ये एक्ट जो है पूरे दुनिया में हर जितनी भी डेमोक्रेसी ऊपर हो उतना हो। लेकिन पीएसए जैसे एक्ट का वॉट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट पीएसए, इसमें है कि इसमें आपको जितने टाइम तक ये इंसान बंद होगा वो टाइम मिनिमम से मिनिमम रहना चाहिए, इसीलिए पीएसए में 6 months वॉज द मैक्सिमम, 6 महीने से बियॉन्ड आपको बंद नहीं कर सकते थे अगर आपके खिलाफ कोई केस नहीं होता, तो 6 महीने वॉज द मैक्सिमम। उसके बावजूद ये पीएसए उस टाइम पे लगाना है जब एक्चुअली किसी ने कुछ किया है, कि इसकी वजह से खदशा है कि ये कुछ करेगा, बॉम्ब चलाएगा, इसने वायलेंस में पार्टिसिपेट किया है, उस सूरत में आपको जाके पीएसए लगाना है। आज की अगर आप हालत देखेंगे, बीजेपी की गवर्नमेंट पीएसए नहीं लगा रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो यूएपीए लगा रही है। यूएपीए जो है, यूएपीए में क्या होता है कि जो पीएसए में 6 months टाइम होता है, 6 महीने का टाइम होता है, यूएपीए में वही टाइम करीबन तब तक चलता है जब तक आपकी पूरी ट्रायल कोर्ट में खत्म नहीं हो जाती है, और हमको पता है यहाँ पे कोर्ट केस खत्म होने में 10-15 साल लगते हैं, यानी 10-15 साल, यानी 10-15 साल आप यूएपीए के तहत जेल में रह गए। यहाँ पे जो नंबर है हमारे छोटे छोटे बच्चों का, लोगों का जो अरेस्ट हुए हैं यूएपीए के अंडर, वो नंबर करीबन 5,000 के करीब वो नंबर है, यानी 5,000 लोगों को इन्होंने रात को अरेस्ट कर दिया। आप मुझे बताइए ना, हमारे टाइम पे कब इस नंबर में बच्चे अरेस्ट होते थे? अगर एक पीएसए अरेस्ट होता था,
हूप हाँ मच जाती थी, हाहाकार मच जाता था। आज 5,000 अरेस्ट हुए हैं। अभी एक जर्नलिस्ट मुझे बोल रहे थे कि अपेरेंटली और 2500 लोगों का नाम है, अब मुझे नहीं पता है सच है झूठ है। पैरेटगंज तो यहाँ पे उमर साहब की हुकूमत जब थी तभी उस उमर साहब ने भी मंगवाए थे ना पैरेटगंज। देखिए जहाँ पे उस टाइम पे अगर मैं आपको याद दिला दूं 2010 की बात अगर मैम करें कि 2010 में आरजे यूस को अरेस्ट किया गया था, 300 यूस को पीएसए लगा दिया गया था, तब उमर साहब यहाँ पे हुकूमत नहीं कर रहे थे, तब उनको पीएसए लगा था यहाँ पे। 300 आप कह रहे हैं 300 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था पीएसए के अंडर, वो सभी लोग आज पीएसए से बाहर होंगे 300, क्योंकि 6 महीने वॉज द मैक्सिमम पीरियड जिसमें वो बंद होते। आप 300 को कंपेयर कीजिए आज के 5,000 के नंबर से, ये मत कहिए कि सब सेम है। 5,000 लोगों को अरेस्ट करना और उन लोगों को अरेस्ट करना जो कुछ बोलते भी नहीं है। आपको पता है किसी ने फेसबुक पोस्ट लिख दिया है उस पर यूएपीए लगा देते हैं। अभी फहद शाह एक जर्नलिस्ट है उन पर यूएपीए लगा दिया क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को प्रो गवर्नमेंट कवरेज नहीं दिया। एक औरत थी उसने घर पर कैसो ऑपरेशन की बात की, उस पर यूएपीए लग गया। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में जीएमसी में बच्चे थे, उन्होंने शायद अपेरेंटली वो वीडियो वहाँ का है भी नहीं, लेकिन खदशा था कि इन्होंने शायद तालियां बजाई हैं किसी क्रिकेट टीम के लिए, उन सभी पूरे कॉलेज पे पीएस यूएपीए लग गया। लोग कह रहे हैं मैम इसके पीछे सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, इसके बारे में आप बताइए। आखिरकार भाजपा सरकार को लाया किसने कश्मीर में? भाजपा पहली बात आपने कहा कि आपने इससे पहले कुछ सवाल किया था, आपने क्या कहा था कि यहाँ पे जो भी हो रहा है एनसी की वजह से हो रहा है। अक्सर जब मैं बीजेपी के पहली बात आपने कहा जो भी हो रहा है एनसी की तरफ एनसी की वजह से हो रहा है। अगर आप किसी भी बीजेपी वोटर से, क्योंकि कहीं ना कहीं अंधभक्त हैं यहाँ के वोटर, अगर आप उनको बोलेंगे कि इंडिया का क्या हुआ, वो कहेंगे जो भी हो रहा है इंडिया में बर्बादी, जो भी बर्बादी हो रही है वो कांग्रेस की वजह से हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के बीजेपी वोटर कहेंगे बिना सोचे समझे कि, वो कहेंगे 70 साल में जो भी बर्बादी हुई कांग्रेस ने की। वही लोग और वही जमात जो है वो आके कहती है 70 साल में जम्मू और कश्मीर में जो भी हुआ वो बर्बादी एनसी ने की। भाई नहीं, एक सेकेंड मैम, मेरा सवाल ये है कि भाजपा जनता पार्टी को कश्मीर में लाया किसने? भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में लाया 1999 की अगर ना बात करेंगे, मेरी बात सुनिए, 1999 की अगर ना बात करेंगे, नहीं मेरी बात आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, मेरी बात मुझे प्रॉपर, देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है ना। 1999 की अगर बात करेंगे, 1999 में सैफुद्दीन सोज जो है वो एक कदावर लीडर माने जाते हैं नेशनल कांग्रेस के, वो पार्टी छोड़ के क्यों चले गए थे? देखिए सैफुद्दीन सोज के आप आजकल, मुझे नहीं पता है वो 1999 में क्या छोड़ के पार्टी चले गए थे क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया। सुना है मैंने कि उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला साहब को फॉरेन मिनिस्टर लेके गए थे। अगर आप सैफुद्दीन सोज के बयान देखेंगे, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आप आज उनके टीवी पर बयान देखिए, उनके किस हद तक अपोलोजिटिक बयान है टू बीजेपी, शायद कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि बात क्या थी। जहां तक आपने कहा कि बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में किसने लाया, क्योंकि आपने एक सवाल से दूसरे सवाल जल्दी जंप किया, मैं चाहती हूं मैं उसका जवाब दूं। बीजेपी को जम्मू और कश्मीर के जम्मू के उन 4 डिस्ट्रिक्टों ने लाया जिन जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्टों ने उनको वोट किया। अगर यहाँ से आपको किसी पार्टी को, ये किसी का एक डेमोक्रेसी में जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बीजेपी को इंडिया में किसने लाया? बीजेपी को क्या किसी ने गोद में लाया? क्या मैं किसी पार्टी को गोद में, किसी पार्टी को कोई पार्टी गोद में नहीं ला सकती है ना, ये बेवकूफ, ये इट्स स्टूपिड टू बिलीव कि हम गोद में लाके किसी पार्टी को लाएंगे। अगर किसी पार्टी को कहीं पे आना है, उस पार्टी को वहां के लोग अगर वोट करेंगे वो पार्टी ऑटोमेटिकली आ गई, वहां के लोग अगर वोट नहीं करेंगे वो पार्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। कोई किसी पार्टी को गोद में नहीं लाता है। अगर ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में किसी ने लाया, वेस्ट बंगाल की आवाम ने लाया। अगर एनसी को जम्मू और कश्मीर में किसी ने लाया, यहाँ की आवाम ने लाया। अगर किसी भी लीडर को कहीं पे किसी ने लाया इलेक्टोरली, वहाँ की आवाम ने लाया। 2015 के जो हमारे इलेक्शंस हुए थे उसमें जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने बीजेपी को वोट दिया, हम क्या करते इसमें, और बीजेपी को करीबन 25 सीटें जिताई। हमने हालांकि जम्मू के लोगों से कहा था कि आप किसी को, आप भले ही
मतलब आप कम से कम बीजेपी को वोट मत दो, ये आके यहाँ तहस नहस करेंगे। बट जम्मू के उन चार डिस्ट्रिक्टों ने दिया और आज शायद जम्मू सफर कर रहा है। ये आपका सवाल था कि जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को किसने लाया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसने लाया। अब दूसरा सवाल आप कीजिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें कि आप इस चीज़ को मानती हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ज्यादा देर तक जम्मू कश्मीर रही है, 23 साल यहाँ पे हुकूमत की, इस चीज़ को आप मानती हो? देखिए 23 आप 370 कब आया था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 1951 में 26th of January 1950 में आया था, तो तब से लेके आज तक इसको टेम्परेरी तौर पे क्यों रखा गया था? जी हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। दो आपने सवाल किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या 23 इयर्स हकूमत में नहीं रही है? बिल्कुल सर, हम 23 इयर्स हकूमत में रहे हैं, 25 साल जेल में रहे हैं, वो सच्ची बात है। दूसरी बात, आर्टिकल 370 जो था ये टेम्प्ररी क्यों था, ये बहुत अहम सवाल है। आर्टिकल 370 टेम्प्ररी इसलिए था क्योंकि जम्मू और कश्मीर का जो इलहाक इंडिया के साथ था वो टेम्प्ररी था। यहाँ पे टेम्प्ररी इसलिए था कि जब तक एक प्लेबिसाइट होगा, ये रूल था, जब तक एक प्लेबिसाइट होगा तब तक आर्टिकल 370 है, उसके बाद प्लेबिसाइट होगा और प्लेबिसाइट के बाद जो डिसीजन यहाँ की आवाम देगी वो आवाम का डिसीजन जो होगा वो परमानेंट होगा। बट चूंकि प्लेबिसाइट हुआ नहीं, फॉर यू नो कि कितनी उस पर इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गंदी सियासत चली, उस वजह से आर्टिकल 370 टेम्प्ररी था क्योंकि प्लेबिसाइट होना था, प्लेबिसाइट वाज टू बी द परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन ये भी सुनने को मिला है कि फारूक साहब जो है वो सीधी बात नहीं कर रहे थे, जब दिल्ली में जाते वहां पे कर रहे थे भारत माता की जय, लेकिन जब कश्मीर आते थे यहाँ पे कह रहे थे इंडिया शुड मस्ट टॉक विद पाकिस्तान इफ दे वांट टू मेक पीस इन कश्मीर। दिल्ली में एक बात, कश्मीर में एक बात, इसको क्या कहते हैं? देखिए ये भी अक्सर हम पे बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है कि आप दिल्ली में, मैं जवाब देती हूँ ना आपको, कि आप दिल्ली में एक बात करते हो, आप कश्मीर में एक बात करते हो, इस टाइम में आपके सर कैमरा के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है ना? जी बिल्कुल। ये जो वीडियो है ये दिल्ली में भी चलेगी, ये कश्मीर में भी चलेगी, ये गवर्नर के दफ्तर में भी चलेगी, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में भी चल सकती है, मतलब वहां पे भी कोई फेसबुक पे इसको खोल सकता है, ये अमेरिका में भी चलेगी, ये यहाँ के गांव कश्मीर के पिछड़े हुए गांवों में भी चलेगी। तो कौन सा बयान है जो मैंने यहाँ पे दिया है जो दिल्ली भी सुन रही है, यहाँ की आवाम भी सुन रही है? हो सकता है आपकी इस इन इल्जामात में कहीं ना कहीं लोग शायद इन इल्जामों को समझ भी जाते, मान भी जाते, जब तक सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज तो सोशल मीडिया के जमाने में दिल्ली में भी वही चीज चल रही होती है, कश्मीर में भी वही चीज चल रही होती है, अमेरिका में भी वही होती है, लंदन में भी वही चीज चल रही होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन कैमरा एंड एवरीथिंग इज पुट ऑन सोशल मीडिया। सो वेयर इज दिस आइडिया कि आप वहां एक बात करो यहाँ एक बात करो? भाई जो ये सुन रहा है वो कश्मीर में भी सुन रहा है, दिल्ली में भी सुन रहा है। मैम पीएचडी दावा कर रहे हैं कि 370 के लिए हम कुछ भी करेंगे, अभी तक पीएचडी ने 370 के लिए क्या किया? देखिए पहली बात तो आर्टिकल 370 के लिए ऐसा नहीं है कि कोई हम अपना यू नो वो वेन नस में खून लगा देंगे और खून निकालेंगे और कहेंगे ये बॉटल हम देंगे पीए आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 को दो तरीके उसके लिए आर्टिकल 370 है जिसके लिए हम आए हैं। पहली बात, एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट दावा करती है दिल्ली में और अलग अलग जगहों पे वो दावा करती है कि आर्टिकल 370 जो है ये तो किसी को जम्मू और कश्मीर में चाहिए ही नहीं था, ये लोग सिर्फ यहाँ की पार्टियों को चाहिए था। पीएजीडी जो है एज पॉलिटिकल पार्टीज जो मैक्सिमम टाइम इलेक्ट हुई हैं वो सामने आके एक टेंट में आई हैं और सामने कहा है कि हम लोग आर्टिकल 370 के साथ हैं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करते हैं। शायद इसी वजह से आप देखेंगे कि नेशनल टेलीविजन पे कितनी गालियां हमको रोज पड़ती हैं गुपकार गैंग बीजेपी वालों की तरफ से, क्योंकि हम यहाँ के लोगों के हकों की और उनके हकों की बात करते हैं। अगर दूसरी बात, आपने कहा कि पीएजीडी जो है आर्टिकल 370 के लिए क्या कर रही है। पीएजीडी के जो नुमाइंदे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड, हम लोग भी पिटिशन, हम लोगों ने भी बढ़िया सबसे अच्छे वकीलों को हायर किया है, राजीव धवन जी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे हम ये केस लड़ रहे हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टाइम पीएजीडी जो है इट इज अ डैम, जिस उस डैम से बीजेपी को बाहर रखने की कोशिश की जा रही है इलेक्टोरली। चाहे आप डीडीसी इलेक्शंस में भी देखेंगे पीएजीडी ने कहीं बहुत अच्छी खासी टक्कर दी बीजेपी को और बाहर निकाला। इसका ये मतलब है कि अगर पीएजीडी जो है
हम लोग एज पॉलिटिकल पार्टी साथ मिले हैं, साथ मिलके बीजेपी को बाहर रखेंगे। जो भी यहाँ की सरकार बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगी और वहाँ कहेगी कि हम यहाँ के लोगों के नुमाइंदे बन के यहाँ के लोगों की तरफ से बात करते हैं और कहते हैं कि हमको आर्टिकल 370 वापस चाहिए। इट विल बी अ ह्यूज पेटिशन और जिसकी वजह से आर्टिकल 370 का रेस्टोरेशन जो है काफी हद तक पॉसिबल हो जाएगा। मैम, अगर 370 फिर से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाएगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कंटेस्ट करेगी? देखिए, आर्टिकल 370 जो है उसका ये तो चल ही रहा है इस टाइम पे, उसका केसेस तो उसके आर्टिकल 370। आज कहते हो कि अगर इलेक्शन जीतोगे और इलेक्शन आप लोग लड़ोगे और बीजेपी को बाहर करोगे तो आप इलेक्शन लड़ रहे हो। आप बताइए ना, हम लोग करें क्या? मुझे नहीं पता मेरी पार्टी क्या करेगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी पार्टी ऐसा कुछ भी करे जिसकी वजह से बीजेपी को जो है एक साफ साफ रास्ता मिल जाए कि उनको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। द रियलिटी रिमेन्स कि दिस टाइम इट इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेज द बीजेपी। चाहे आपको हमारी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ हो, आपको हमसे डिसएग्रीमेंट हो, आपको हमसे हजार डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन है कि इट इज़ बिटवीन एनसी वर्सेस द बीजेपी। आप एनसी को ही आप अपने ही लोगों के हाथ बांधेंगे, अपने ही लोगों के हाथ बांध के रखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो भी बोलिए ना, उससे किसको सपोर्ट मिल रहा है, कौन मजबूत हो जाएगा? पीएजीडी अभी दावा कर रही है 1999 में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया था, 2014 की बात करेंगे, 2014 में महबूबा मुफ्ती ने ही ना जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बीजेपी को लाया था, कोलिशन बीजेपी के साथ महबूबा मुफ्ती ने की थी ना। पहले उसने दावा किया था कि अभी मैं ये कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, फिर कह दिया था उसने कि मैं अब कुर्सी पर बैठूंगी, लोगों के लिए बैठूंगी। असल में जो उसको कर रहा था उसने तो वही फिर किया ना। वो तो आपको महबूबा मुफ्ती जी से सवाल करना पड़ेगा, कैसे भरोसा? नहीं, अभी पीएजीडी पार्टी की नहीं, आई एम नॉट द देखिए आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन फॉर पीएजीडी और आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन फॉर पीडीपी। ठीक है, रहने दीजिए इस सवाल को मैम। मैं एक और अहम सवाल, 2010 की अगर बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे हुकूमत थी, 8000 यूथ को अरेस्ट किया गया था, 300 यूथ को पीएससी लगा दिया गया था और लोग इस चीज का जवाब मांग रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? आप मुझे बताइए ना, मतलब दिस इज अ कॉन्स्टेंट थिंग। 2010 में 300 लोग अरेस्ट हुए थे, बिल्कुल हुए थे, आज 5000 अरेस्ट हुए हैं। वो आपको मैं हर जवाब, एक सवाल करते हैं जवाब सुनिए, दूसरा सवाल कीजिए, मैंने एक भी जवाब से हम नहीं डरे। आपने कहा 2010 की बात, मैंने बार बार कहा 2010 में बिल्कुल 300 लोगों को अरेस्ट किया था पीएसए पे, क्योंकि उस टाइम पे वायलेंस हुआ था बहुत सारी जगहों पे। आप ये डिसएग्री नहीं कर सकते हैं इस बात से, बहुत सारी स्टोन पेल्टिंग उस टाइम पे होती थी और उस टाइम पे भी पीएसए के अंडर मैक्सिमम आप 6 महीने जेल जा सकते हैं। आज 5000 लोग यूएपीए के बंद अरेस्टेड हैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। आप हमें कहना चाहते हैं कि वो 300 लोग जो 6 महीने तक वायलेंस के लिए बंद हुए थे, इट इज एक्चुअली द सेम एज अरेस्टिंग 5000 पीपल अंडर यूएपीए फॉर 10-15 साल जो जेलों में बंद रहेंगे इस वजह से, क्योंकि हर पार्टी सेम है जी, आप लोग जी सेम हो नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ता है। अगर आप भी सर्कल को चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना, आप भी या कोई भी जो देख रहा है उसको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, उसको रखना है कि वायलेंस कहीं पे ना हो, लेकिन ये नहीं कि लोगों को एन मास अरेस्ट कर दे, 5000 लोगों को बंद कर दे, 6000 लोगों को यूएपीए के अंडर बंद कर दे। लॉ एंड ऑर्डर संभालने में और एन मास लोगों को बंद करने में, तशद्दुद करने में, इसमें आसमान जमीन का फर्क है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। मैम, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करके 6 सीटें जो है वो जम्मू को दी गई थी, 1 सीट कश्मीर को दी गई है, तो क्या लगता है, आपको लगता है कि अगर जम्मू में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर कश्मीर में भी 10 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जम्मू और कश्मीर के बीच में? एब्सोल्युटली, ये तो हमने बार बार बोला, हमने ये भी कहा कि आप जो भी हम बयान दे रहे हैं, डोंट सी इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस बयान दे रही है। आपको बेसिक मैथमेटिक्स अगर आती होगी, आप बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से आप मुझे बोलिए कि ये कैसे फेयर है, ये कैसे, मतलब इसमें कौन सा फेयरनेस है कि एक जगह की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,20,000 वोटर होंगे, दूसरी जगह की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,40,000 वोटर होंगे। दिस इज बीजेपी ट्राइंग इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट किसी तरीके से वो इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि उनको पता है यहाँ के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो हर कोई हथकंडा अपना रहे हैं जी। अब आखिर में मैम, जाते जाते मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप करंट में कैसे देखती हो? देखिए,
देखिए जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को मैं करंट में देखती हूँ इस टाइम पे द रियलिटी रिमेन्स कि इट इज बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस टाइम पे टकर रहे हैं. ये बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है. इस टाइम पे कॉन्टेस्ट दो पॉलिटिकल पार्टीज की प्राइमरीली बीच में है. अब मैं बस यहाँ के लोगों को कहना चाहती हूँ और हम लोग जो हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो एंटी बीजेपी हैं वो एक छत के नीचे आई हैं, वो साथ मिली हुई हैं, जैसे जिसको पीएचडी हम कहते हैं. तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो एंटी बीजेपी हैं वो साथ मिली हुई हैं, वो साथ आके वो काम कर रही हैं चाहे आपस में कुछ भी इख्तलाफ हो. जो ऑब्वियसली प्रो बीजेपी है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं. तो मैं कहना चाहती हूं कि अपने लोगों के हाथ मत बांधिए. इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट दौर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मे बी आपको इख्तलाफ होगा हमारी आइडियोलॉजी से, मे बी आपको हजार गिले होंगे हम लोगों से. हम लोग आपस में बैठ के इख्तलाफ कर सकते हैं, आपस में गिला शिकवा कर सकते हैं, लेकिन अपने कौम के हाथ, अपने लोगों के हाथ, अपने बच्चों के हाथ, जो आपके बच्चों का रोजगार और आपके बच्चों का और हमारे अपने बच्चों का, आपके बच्चों से पहले अपने बच्चों का, जो हम लोग सभी लोग मुस्तकबिल बचाने निकले हैं, उन लोगों के हाथ मत बांधिए. मैं बस इतना यहाँ की जम्मू और कश्मीर की आवाम से अपील करती हूँ. जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम समझने के लिए. जी नाज़रीन इकराम, ये हमारे साथ बात कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान और कुछ अहम मुद्दों पे आज इनके साथ हमने बात की. जम्मू कश्मीर के पोलिटिकल सीनियर पे इनके साथ हमने बात की. आगे भी आपको किसी शख्सियत के साथ रूबरू कराएंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.